नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विक्रांत और आज हम गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर के उन न्यूज़ आर्टिकल का विश्लेषण करेंगे जिनके इर्द गिर्द आपके परीक्षा के प्रश्न बनते हो। तो गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर जो 18 से 24 जनवरी का संस्करण है, उसका जो पहला न्यूज़ आर्टिकल है वो ओपीएस के बारे में है। यहाँ पर मुख्यमंत्री का एक जो है स्टेटमेंट कोट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ओपीएस लागू करने का फैसला सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत लिया गया है। ठीक है, प्रदेश के अंदर जितने भी एनपीएस कर्मचारी हैं, लगभग 1.31 लाख एनपीएस कर्मचारी हैं, उनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। आगे सरकार का मानना है कि वे अनावश्यक खर्चे कम करके जो है अनावश्यक खर्चों में कटौती करके ओपीएस के लिए जो है वो बजट का प्रबंध करेंगे। हालांकि यह बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि लगभग 800 से लेकर 900 करोड़ रुपए का बजट जो है वो ओपीएस के लिए प्रतिवर्ष सरकार को चाहिए होगा। ठीक है, आर्टिकल में आगे लिखा है कि 1 लाख युवाओं को रोजगार और महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने के लिए 2 मंत्रिमंडलीय उप समितियों का गठन किया गया है। ठीक है, और ये दोनों ही उप समितियां 1 माह के भीतर जो है अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। कर्मचारियों के वेतन बकाए के रूप में 4,430 करोड़ रुपए की का बकाया और पेंशनरों के पेंशन बकाए के रूप में लगभग 5,226 करोड़ की देनदारी अभी भी सरकार पर है। और डीए की बात करें, जिसे महंगाई भत्ता भी कहते हैं, इसके रूप में 1,000 करोड़ रुपए की देनदारी अभी भी राज्य सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों की है। चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की ओर। अगला न्यूज आर्टिकल जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक और बयान कोट करता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को निवेश का मुख्य गंतव्य कैसे बनाया जाएगा। तो उनका मानना है कि हिमाचल प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन एवं सुगमता ब्यूरो, जिसको ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन भी कहते हैं, इसका गठन हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा और इसी के माध्यम से सभी स्वीकृतियां समयबद्ध ढंग से प्रदान की जाएगी। और यह निवेश के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, जिसमें उद्योग, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आयुर्वेद, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों में जो है सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। आर्टिकल में आगे लिखा है कि ऊना में स्थापित होने वाले बल्क ड्रग पार्क के विकास के लिए जो है वो निवेशक के चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने और एक सलाहकार की नियुक्ति के निर्देश जो है वो अधिकारियों को दे दिए गए हैं। ये जो ब्यूरो होगा, निवेश प्रोत्साहन एवं सुगमता ब्यूरो, इसके माध्यम से 10 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का अनुमोदन भी होगा और स्वीकृतियां भी प्रदान की जाएगी। धर्मशाला में बनने वाले आईटी पार्क के स्थल के चयन के लिए जो है वो एक अधिकारियों का एक दल जो है उसने आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र जो है धर्मशाला में आईटी पार्क बन सके। अगला जो न्यूज का आर्टिकल है वो युवाओं को रोजगार के बारे में है और इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक और बयान कोट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार प्रदान करने में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग के में भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और तत्काल प्रभाव से जो है आयोग के कामकाज को निलंबित किया है, ताकि जो है आज तक के जितने भी पेपर वहां पर हुए हैं और जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जो है जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से जो है वो वहां पर हो सके। आर्टिकल में आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक भी जो है अब हिमाचल भवन और राज्य सरकार की वृद्धि में जितने भी गेस्ट हाउस है उसमें आम जनता की तरह ही वो भी अब किराया देंगे। पहले ये किराया 200 रुपये था, अब जो है उनको 1200 रुपये जो है यह किराया देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के पश्चात मुख्यमंत्री शिमला के बालिका देखभाल संस्थान जो है टुटीकंडी का उन्होंने दौरा किया था और उन्होंने वहां पर यह महसूस किया कि निराश्रित बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बाल देखभाल संस्थानों, नारी सेवा सदनों, शक्ति सदनों और वृद्ध आश्रमों के आवासियों के लिए त्योहार मनाने के लिए 500 रुपये का उत्सव अनुदान जो है वो सरकार अब इनको देगी, ताकि ये लोग भी जो है आम जनता की तरह ही जो है वे उत्सव मना सके।
आर्टिकल में आगे लिखा है कि एक मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का निर्माण किया जाएगा, जिससे जो है जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी। जो लोग जो है आज तक आर्थिक तंगी से जो है अपने शिक्षा को जो पूर्ण नहीं कर सकते थे, अब जो है वे जो है इस कोष की मदद से जो है वे इस सरकारी मदद से जो है वे अपनी उच्च शिक्षा जो है आपका कौशल विकास शिक्षा या फिर आपकी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जो है अब वे उन्हें राज्य सरकार जो है उनके पढ़ाई का खर्चा जो है वो वहन करेगी। चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की ओर, जिसमें मुख्यमंत्री का एक और बयान कोट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता के सक्रिय सहयोग से अग्रणी राज्य बनेगा हिमाचल। मुख्यमंत्री का मानना है कि कर्मचारी और समाज के हर वर्ग का सहयोग जो है हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए वांछित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के विधि विश्वविद्यालय के रिचिका संघमित्रा कन्या छात्रावास का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया है। इस छात्रावास के निर्माण में लगभग 14.50 करोड़ की धनराशि व्यय की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर एक सरकारी बॉयज हॉस्टल बनाने का भी बात कही है। जल्द से जल्द भूमि उपलब्ध होने पर सरकार इसके लिए 5 करोड़ की धनराशि को आवंटन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि निवेश को आकर्षित करने के लिए एक विशेष नीति लाई जाएगी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, हाइड्रो और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जो है निवेश को आकर्षित करेगी। चलते हैं अगली खबर की ओर, अवैध खनन पर नकेल कसेगी सरकार। यह जो है मुकेश अग्निहोत्री, जो कि उप मुख्यमंत्री है प्रदेश का ही, उनका एक बयान यहाँ पे कोट किया गया है। उनका मानना है कि पिछले 5 वर्षों में जो है खनन माफिया प्रदेश के अंदर सक्रिय थे और अब जो है इन पर सरकार जो है पूर्ण रूप से जो है नकल कसेगी। और इसके लिए जो है उप मुख्यमंत्री ने जो है जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो है अवैध खनन पर रोक लगाने और नशीले पदार्थों के खिलाफ शीघ्र ही एक निर्णायक अभियान को जो है वो शुरू किया जाए। ठीक है, स्वान नदी के तटीकरण पर लगभग 1500 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। अगर किसी भी खनन माफिया ने इसे नुकसान पहुंचाया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही साथ पेयजल स्रोतों से संबंधित जितनी भी संपत्तियां हैं उनको नुकसान पहुंचाने वाले माफियाओं की सूचना भी अतिशीघ्र जो है सरकार को दे दी जाए। यह कहना है मुकेश अग्निहोत्री का। बीत क्षेत्र में लगभग 80 करोड़ की सिंचाई योजना का जो है निर्माण किया जाएगा और हरोली क्षेत्र, जो कि उनका अपना विधानसभा हल्का है, वहां पर एक आधुनिक कॉलेज को बनाकर तैयार किया जाएगा। चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की ओर। यह न्यूज आर्टिकल मनरेगा के कामगारों से संबंधित है। अब मनरेगा के कामगारों की जो हाजिरी है वो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से लगाई जाएगी। ठीक है, ये इसमें जो है जितने भी कार्य जो मनरेगा के अंतर्गत होते हैं, व्यक्तिगत कार्यों को छोड़कर उन सभी कार्यों का अब जो हाजिरी है वो इस नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से लगाई जाएगी और वार्ड पंचों को जो है इसके लिए प्राधिकृत किया गया है। अगर वार्ड पंच होते हैं, वार्ड मेंबर जो वार्ड के अंदर चुने जाते हैं लोग, उनको वार्ड पंच बोलते हैं, वे जो है इस नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से जो है वो हाजिरी लगाएंगे। और अगर किन्हीं असाधारण परिस्थितियों में जो है अगर ये हाजिरी नहीं लगा पाते हैं तो इसमें हाथ से हाजिरी लगाने का भी प्रावधान है। और अगर ये वार्ड पंच या वार्ड मेंबर जो है वो ये काम करने में जो है असफल रहते हैं तो ये काम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दे दिया जाएगा। यह प्रावधान 1 जनवरी 2023 से लागू हो गया है। मनरेगा अधिनियम 2005 धारा 27 में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार राज्यों को ऐसे जरूरी दिशा निर्देश दे सकती है ताकि जो है इस अधिनियम को, मनरेगा के अधिनियम को का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके। अगला जो न्यूज आर्टिकल है वो भू धसाव संभावित क्षेत्रों की पहचान। ये जो है आपका HS मीन्स का जो है आपका GS1 जो है वो उसके सिलेबस से संबंधित आर्टिकल है। और इसमें क्या बात कही गई है कि गत दिनों जो है वो शिमला में आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की।
इसमें जो है उत्तराखंड के जोशीमठ में जो हो रहे भूदशाओं और हिमाचल प्रदेश में ऐसे संभावित स्थानों की पहचान करने पर विस्तृत चर्चा की गई और सरकार का मानना है कि जल्द से जल्द ऐसे क्षेत्रों को जो है उनको चिन्हित किया जाए और उनकी सूचना जो है वो सरकार को दी जाए। इसके दृष्टिगत आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने और पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने किन्नौर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा जिला के उपायुक्तों को भू धसाव संभावित क्षेत्रों की पहचान करने तथा इसकी रिपोर्ट शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो सरकार को देने को कहा है। उपायुक्तों को भूस्खलन, भू धसाव और सड़क हादसों के ब्लैक स्पॉट्स की अलग अलग रिपोर्ट भेजने को कहा है और मुख्यमंत्री का मानना है कि संस्थागत स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक जो है तैयारियों को मजबूत करने, शमन और निवारक उपायों पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री मनसा राम को श्रद्धांजलि दी है। वे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री रहे हैं और ये करसोग से संबंधित है और इस दुख की घड़ी में जो है मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार के मंत्रिमंडल में करसोग से सबसे युवा मंत्री के रूप में शामिल हुए थे, तो ये आपका एक पीटी फैक्ट भी यहाँ पे बनता है। मुख्यमंत्री ने शरद यादव जो कि केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनके निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया है। अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है उसमें बात कही गई है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आपदा कोष में जो है जो आपदा कोष है राज्य का उसमें वृद्धि करने का आग्रह किया है। ठीक है, गत दिनों भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के दो डॉप्लर रडारों का उद्घाटन किया गया, जिसमें जो जो पहला जो एक रडार जो है वो मंडी जिला की मुरारी देवी और दूसरा चंबा जिले के जोत में स्थापित हुआ है। ठीक है, इस अवसर पर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री से आग्रह किया है कि जो है हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक जलवायु परिस्थितियों के कारण यहाँ पर विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से यह क्षेत्र प्रभावित रहता है, अतः जो है हिमाचल प्रदेश का जो आपदा कोष है उसमें जो है वो वृद्धि की जाए। ठीक है, ये जो डॉपलर रडार है ये 100 किलोमीटर के दायरे में भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की सटीक जानकारी देने में सक्षम है। इससे क्षेत्र में विशिष्ट पूर्वानुमान और चेतावनी में सुधार होगा और साथ ही साथ सटीक डाटा उपलब्ध होगा। इससे आपदाओं के नुकसान को कम करने और पूर्व प्रबंधन में काफी सहायता मिलेगी। 15 जनवरी 2021 को पहले ही कुफरी में जो है एक डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जा चुका है। इन दो अतिरिक्त रडारों के क्रियाशील होने से अब प्रदेश में लगभग 70% राज्य का लगभग 70% क्षेत्र अब मौसम पूर्वानुमान के दायरे में आ गया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों का लगभग 30% क्षेत्र अभी भी इससे अछूता है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री से कहा है कि इन दो जिलों में भी ये डॉपलर वेदर रडार लगाने जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही जिले भी जो है मौसम प्रभावित जिले हैं। उन्होंने कहा है कि हाल ही के वर्षों में जो है किन्नौर में बादल फटने की जो है घटनाएं सामने आई है और एक उचित मौसम पूर्वानुमान तंत्र जो है इन दोनों ही जिलों में होना चाहिए, इसलिए जो है इन दोनों जिलों में जो है ये डॉपलर रडार लगाने आवश्यक है। अगला जो न्यूज आर्टिकल है वे मुकेश अग्निहोत्री का एक और बयान यहाँ पर कोट किया गया है। धार्मिक स्थलों में ई परिवहन सुविधा को मिलेगा बढ़ावा। उप मुख्यमंत्री का मानना है कि प्रदेश के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और हरोली हल्का जो कि उनका अपना विधानसभा हल्का है उसके सभी धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। धार्मिक स्थलों में ई परिवहन सुविधा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए स्कूलों में आधारभूत ढांचा विकसित करवाया जाएगा। नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए स्कूलों के समीप जो है शराब के ठेकों को बंद किया जाएगा, यह कहना है मुकेश अग्निहोत्री का जो कि उप मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश सरकार के। अगला जो न्यूज आर्टिकल है वो मुख्यमंत्री का एक और बयान यहाँ पर कोट किया गया। उन्होंने कहा है कि वंचित लोगों के साथ जो है त्योहार को मनाएं,
यह निर्देश उन्होंने जो है अधिकारियों को दिए हैं। इसके लिए जो है उन्होंने 500 रुपये जो है उत्सव अनुदान के रूप में जो है इन लोगों को दिए जो वंचित लोग हैं, और साथ साथ ही साथ जो है अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जो है वे इन लोगों के साथ जो है वो उत्सव मनाएं, ताकि इन ये लोग भी जो है समाज से जुड़ा हुआ जो है महसूस कर सके। साथ ही साथ जो है सरकार 10,000 रुपये का जो है वस्त्र अनुदान इन लोगों को दे रही है, जिसमें से 5,000 रुपये जो है उनके सर्दियों के वस्त्रों के लिए और 5,000 रुपये जो है उनके गर्मियों के वस्त्रों के लिए उनको दिए जाएंगे। अगला न्यूज आर्टिकल एक यात्रा वृतांत को लेकर है। चाहे हिल स्टेशन जो है वो शिमला से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और सोलन से जो है 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र से लगभग 2,250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चहल हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ पर पोलो और क्रिकेट प्रेमियों का यह प्रेम पसंदीदा स्थल माना जाता है और हाइकर्स के लिए भी यह जन्नत माना जाता है। एडवेंचर शौकीनों का भी यहाँ पर साल भर आना जाना लगा रहता है। समुद्र तल से 2,244 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह चायल क्रिकेट मैदान विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है, ठीक है। और इसका निर्माण महाराजा भूपेंद्र सिंह ने 1893 में करवाया था। ये भी आपका एक प्रीलिम्स फैक्ट्स यहाँ पे बन जाता है कि आपको प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि चहल क्रिकेट मैदान का निर्माण किसने करवाया था, या फिर क्वेश्चन प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि चहल क्रिकेट मैदान का निर्माण किसने और किस वर्ष करवाया था। क्रिकेट महाराजा भूपेंद्र सिंह का एक पसंदीदा खेल था। वर्तमान में यह मैदान भारतीय आर्मी की देखरेख में है और यह छावनी के अंदर स्थित है। यहाँ पर एक सुंदर शाही महल भी है जिसका निर्माण पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह ने करवाया था। अब चलते हैं गिरिराज के वन लाइनर सेक्शन में। कुछ एक गिरिराज में कुछ जीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर है 31 जनवरी 1923 को। कहाँ हुआ था? कांगड़ा में हुआ था। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद बड़ा सिगरी बड़ा शिगरी है ये बड़ा शिगरी किस नदी को पोषित करता है? तो आपका आंसर है चिनाब। लाहौल स्पीति जिले में कौन सी घाटी धान्यागार फलोदान कहलाती है? तो आपका आंसर है पट्टन घाटी। बारा डोनसर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये डोडरा क्वार और सांगला के बीच स्थित है। विष्णु के पांचवें अवतार किस नाम से जाना जाता है? विष्णु के पांचवें अवतार को तो उनको जाना जाता है वामन अवतार के रूप में। बरमूडा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो बरमूडा द्वीप जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई और इसके पहले गवर्नर कौन थे? वर्ष 1935 में इसकी स्थापना हुई और ऑसबोर्न स्मिथ जो है इसके पहले गवर्नर थे। आईपीएल टूर्नामेंट का टाइटल प्रायोजक कौन है? तो इसका कौन है? टाटा समूह इसका टाइटल प्रायोजक है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो देश का 52वां बाघ अभयारण्य भी है कहाँ पर अवस्थित है? यह राजस्थान में अवस्थित है। इटली की जो है प्रधानमंत्री अभी अभी कौन बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी जो है इसकी इटली की प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 12 नवंबर 2022 को कहाँ पर इसका कहाँ पर आयोजन किया गया है? नोम पेन है कंबोडिया में इसका जो है आयोजन किया गया है। विश्व का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मनु बंकुल दक्षिण त्रिपुरा जनपद। कौन सा जनपद कौन सा इसका? समरूह जनपद में जो है इसका जो है इसे स्थापित किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।